स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक ऐसे पोर्टफोलियो के बारे में दोस्तों, ये पोर्टफोलियो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। और ये पोर्टफोलियो अभी 15 अगस्त के दिन आप बना सकते हो दोस्तों। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं दोस्तों। 10 स्टॉक ऐसे जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट के नाम से आप सभी लोग जानते हो दोस्तों। और ये रिटेल चेन है दोस्तों, स्टोर्स की पूरा पता ही है दोस्तों। और देखिए इस शेयर ने मैक्सिमम अभी तक 602% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों। ये शेयर 2017 में मार्केट में लिस्ट हुआ है दोस्तों 600 रुपीज़ पे, और आज देखिए ये शेयर 4,332 रुपीज़ पे चल रहा है दोस्तों। और ये शेयर 5,900 रुपीज़ तक जा चुका था दोस्तों, और वहाँ से आपको अच्छे खासे करेक्शन पे अभी भी मिल रहा है दोस्तों। तो इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। इसका 52 वीक लो है 3,186 रुपीज़ और 52 वीक हाई 5,900 रुपीज़। तो अपने हाई से अभी भी 20% डाउन है दोस्तों ये शेयर। तो आप इसका फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों IRCTC। IRCTC तो मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों, आप सभी को पता है IRCTC का बिजनेस क्या है। और मैक्सिमम अभी तक इसने 328% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों। और ये शेयर 2019 में मार्केट में लिस्ट हुआ है दोस्तों, और ये बहुत ऊपर गया था दोस्तों, 5,000 रुपीज़ तक गया था, और इन्होंने स्प्लिट दिया है दोस्तों। इस वजह से आपको ये शेयर यहाँ 667 रुपीज़ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ से भी ये शेयर ऊपर था दोस्तों, 1,000 के ऊपर था, 1,100 आप देख सकते हो, 1,279 का इसने हाई बनाया था, और वहाँ से गिर चुका है ये शेयर। ये अभी भी आपको 39% के करेक्शन पे ही मिल रहा है दोस्तों। इस शेयर को जरूर ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए अपनी पोर्टफोलियो में। ये शेयर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। अब देखिए इसने इसका 52 वीक लो है 507 रुपीज़ और 52 वीक हाई 1,279 रुपीज़। तो आपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है, इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। ये मोनोपोली स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में ये भी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर अभी तो आपको बहुत कम दाम में मिल रहा है दोस्तों, 232 रुपीज़ पे मिल रहा है। अभी भी बहुत कम प्राइस है दोस्तों इस शेयर की, और आप कोविड में देखोगे तो ये बहुत ही नीचे था दोस्तों, 30 रुपीज़ पे था दोस्तों। आप देख सकते हो कोविड में ये शेयर 28 रुपीज़ तक गया था दोस्तों, और अभी देख सकते हो 232 रुपीज़ पे चल रहा है दोस्तों। अब ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी ये कंपनी EV में काम कर रही है दोस्तों, और ग्रीन एनर्जी में भी अच्छा फोकस है कंपनी का, और ग्राउंड लेवल पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही है दोस्तों ये कंपनी। तो ये कंपनी जब पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद फुल कैपेसिटी से चलेंगे दोस्तों, तब ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। और टाटा पावर दोस्तों अभी बहुत काम कर रहा है दोस्तों ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में। तो ये शेयर फ्यूचर स्टॉक है दोस्तों, फ्यूचर के लिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए दोस्तों। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। अब देखिए इसका 52 वीक हाई है दोस्तों 298 रुपीज़, तो 300 पकड़ सकते हो, वहाँ से अभी भी ये क्रैश है दोस्तों। और आप देख सकते हो कोविड से इसने अभी तक 660% रिटर्न बना के दिए दोस्तों अपने शेयर होल्डर को। तो ये शेयर ने लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट की है दोस्तों, और ये शेयर आपको आगे भी जबरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है दोस्तों। आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, अगर आपको गिरावट मिलती है तो उस गिरावट में और ऐड कीजिए दोस्तों, बेच के निकलने की मत सोचिए। ये शेयर आपको फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, इसके बारे में तो आपको कुछ बताना ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट की एक नंबर दिग्गज स्टॉक है दोस्तों, इंडियन मार्केट का एक नंबर का स्टॉक है दोस्तों, इतना इसका मार्केट कैप है। और एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो इनका, और हर अभी इन्होंने एक्विजिशन तो इतने किए दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी डाला है दोस्तों आप कल के दिन ही है, आप देख सकते हो रिलायंस के बारे में डिटेल में। इन्होंने 20+ कंपनी को एक्वायर किया है दोस्तों, और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। ऑलरेडी ये शेयर मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, 4,865% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों इसने 20 सालों में। ये ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों, और यहाँ से भी ये शेयर जबरदस्त रैली कर सकता है दोस्तों, इतना दम है इस स्टॉक में, और ये अकेला स्टॉक पूरे मार्केट को घुमा सकता है दोस्तों, इतनी ताकत रखता है दोस्तों। तो ऐसे शेयर अपने पोर्टफोलियो में रहना ही चाहिए दोस्तों। अब देखिए इसका 52 वीक हाई है दोस्तों 2,856 रुपीज़ और 52 वीक लो है 2,128 रुपीज़। तो अभी भी आपको अच्छे खासे करेक्शन पे मिल रहा है दोस्तों, करेक्शन में ही है दोस्तों ये शेयर, और अभी भी आपने 52 वीक हाई से दूर है ये स्टॉक। तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, और 5 सालों में देखिए कंपनी ने 237% के रिटर्न दिए दोस्तों, डिसेंट रिटर्न है दोस्तों, इतने ज़्यादा भी नहीं और इतने कम भी नहीं है, अच्छे रिटर्न है दोस्तों। और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे ही रिटर्न देता रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजी, ये शेयर भी अभी अभी लिस्ट हुआ है दोस्तों, और ये कंपनी भी EV में काम करती है और IT सर्विसेज देती है, दोनों में चलती है कंपनी दोस्तों ये EV और IT। तो ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। ऑलरेडी भाग रहा है दोस्तों, और करेक्शन पे ही है दोस्तों ये शेयर, करेक्शन के बाद ये भाग रहा है दोस्तों, अभी देख सकते हो ये मैक्सिमम लिस्ट हुआ है दोस्तों 2019 में,
हार्डली इसको 3 साल हुए दोस्तों लिस्ट होके, और 3 सालों में देखिए 423% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए इसने, और 1 साल में देखिए इसने 62% के रिटर्न दिए दोस्तों। इसका 52 वीक हाई 800 रुपीज़ और 52 वीक लो है 300 रुपीज़, तो अपने 52 वीक हाई से अभी भी थोड़ा सा दूर है दोस्तों। तो इस शेयर में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों अदानी विलमार, FMCG स्टॉक है दोस्तों ये, और अभी अदानी विलमार अच्छा बिजनेस कर रहा है दोस्तों, और अदानी के सभी शेयर आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं दोस्तों, और ये आपको अभी भी 1000 के नीचे मिल रहा है, यही बड़ी बात है दोस्तों। ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि अदानी के सभी शेयर में ज़बरदस्त रैली चल रही है दोस्तों, और ये भी शेयर जरूर रैली करेगा दोस्तों, और ये शेयर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। वह 1 साल में देखिए इसने 145% की रिटर्न दिए, ये अभी अभी लिस्ट हुई है दोस्तों मार्केट में, कंपनी 268 पे लिस्ट हुई थी, और वहाँ से इसने आप देखिए 145% की रिटर्न दे चुका है ये शेयर, और यहाँ से भी ये 1000 को इजीली टच कर देगा दोस्तों। आप देखिए इसका 52 वीक आए 878 रुपीज़, तो आपको अभी भी ये करेक्शन में ही मिल रहा है, तो इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील, टाटा स्टील स्प्लिट के बाद बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों, 112 रुपीज़ पे ये शेयर अभी भी चल रहा है दोस्तों, आप इस शेयर को जरूर ऐड कीजिए दोस्तों। मेटल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और मेटल सेक्टर आज नहीं तो कल और रैली करने वाला है दोस्तों, और टाटा अभी अपना डेट फ्री करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों सभी कंपनियों को, तो ये कंपनी भी डेट फ्री हो जाएगी तो इतनी वेल्थ क्रिएट करेगी आप सोच नहीं पाओगे दोस्तों, अभी तो आपको स्प्लिट के बाद बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है, तो ऐसे शेयर आप 100-200 आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो दोस्तों ईजिली, आप 10-10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए मंथली वीकली, तो ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में क्वांटिटी में ऐड हो जाएंगे दोस्तों, तो ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। इसका 52 वीक हाई देखिए 153, मगर आपको ये स्प्लिट के बाद दिख रहा है ये बहुत ऊपर था दोस्तों, अभी भी आपने 52 वीक हाई से दूर ही है दोस्तों ये शेयर, और करेक्शन पे ही मिल रहा है, इस करेक्शन का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये शेयर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों डिवीज लेबोरेटरी, ये फार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, और इसका मैक्सिमम शेयर चार्ट पैटर्न देखिए दोस्तों, कंटिन्यूअसली कंपनी रैली करती है दोस्तों, और अभी इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है दोस्तों, इस करेक्शन का फायदा उठाइए, और ये API मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 कंपनी है दोस्तों, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है दोस्तों। मैक्सिमम देखिए कंपनी ने अभी तक 41,245% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, और आप देखिए 1 साल में अभी भी 24% दिखा रहा है दोस्तों, मगर 30% के आसपास ये शेयर करेक्शन में है दोस्तों अभी भी। इसका 52 वीक हाई देखिए 5,425 रुपीज़ और 52 वीक लो है 3,365 रुपीज़, तो आप 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है दोस्तों ये शेयर, तो ये शेयर यहाँ से ज़बरदस्त रैली कर सकता है दोस्तों, तो इस शेयर पर आप अपनी नज़र जरूर रखिए, और ये शेयर थोड़ा महंगा है तो छोटी छोटी क्वांटिटी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज, ये केमिकल की दिग्गज कंपनी है दोस्तों, और मैक्सिमम देखिए इस कंपनी ने अभी तक 75,000% के रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिए दोस्तों, और ये शेयर आपको 818 रुपीज़ पे मिल रहा है दोस्तों, अभी भी ये शेयर 1000 के नीचे मिल रहा है दोस्तों, ये 1000 के ऊपर चलता था दोस्तों ये शेयर, और ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है दोस्तों, ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिए दोस्तों इसने, और ये अभी आगे भी दे सकता है दोस्तों, तो केमिकल में बहुत स्टॉक है दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज ऐड करना है ऐसा नहीं है, आप कोई भी केमिकल का स्टॉक ले सकते हो जो अच्छा रिटर्न दे रहा है, आपको पता ही है मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले दीपक नाइट्राइड, अतुल लिमिटेड, तो बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, तो आप कोई भी स्टॉक आप जो अच्छा लगे वो ऐड कर सकते हो दोस्तों, तो ऐसे आप सभी देखिए सभी स्टॉक अलग अलग सेक्टर से पकड़े हुए हैं दोस्तों, और ये सभी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।